सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज के हेडलाइन पर। नोटबंदी का विरोध अब भी जारी, आदित्य ठाकरे गोटे की बगावत, बीजेपी को किया अलविदा। चुनाव के बाद मायावती को धोखा देंगे अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। अब खबरें विस्तार से। नोटबंदी का विरोध अब भी जारी, आदित्य ठाकरे। शिवसेना युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कहा एक कार्यक्रम में कि नोटबंदी को लेकर शिवसेना अब भी सरकार से असहमत है। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, फसल बीमा और राम मंदिर जैसे मसलों पर भाजपा से उत्तर मिलने के बाद ही शिवसेना ने उससे युति की है। दोनों हिंदुत्ववादी दलों के एकजुट होने से दो को लाभ ही होगा, लेकिन युति हो गई इसका मतलब यह नहीं है कि मतभेद खत्म हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रहित मुद्दों पर शिवसेना ने हमेशा साथ है। भाजपा से नाराज विधायक अनिल गोटे ने अंततः भाजपा को बाय बाय कर दिया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता और विधायिका से त्याग पत्र दे दिया है। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। इसके दुलिया से भाजपा के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष भामरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गोटे पिछले कुछ माह से पार्टी से खफा चल रहे थे। पिछले माह गोटे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता शरद पवार से मुलाकात की है, जिसमे राजनेता गलियारों में हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि आगामी 23 मई को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब गठबंधन की साथी बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती को धोखा देंगे और भाजपा एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी नेता की मदद करेंगी। मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने कभी दलितों का वाजिब सम्मान नहीं दिया है। वर्ष 1995 में जब मायावती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्य अतिथि गृह में जान से मारने के लिए हमला किया था, तब बीजेपी ने उन्हें बचाया था, ऐसा उन्होंने कहा है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।